Founder of the DC Going Camp, Priyam Vaz and Sunita Singh. What up? दोस्त, मैं प्रेमवत, मेरी पत्नी सुनीता, कितनी बार सुनाया हूँ, धर्म पत्नी, गर्म पत्नी, नरम पत्नी, सब सुनाया हूँ। पत्नी के जोक्स भी लगातार चलते ही रहते हैं, लेकिन आज थोड़ा गंभीर होने का मन है, इसलिए उससे इतर बात करना चाहता हूँ। बिजनेस में आया 17 वर्ष पहले, सोचा न था कि इस बिजनेस में आऊंगा, लेकिन ईश्वर की कृपा और फिर उनकी विशेष कृपा दृष्टि हुई कि चीजों को समझ गया और लगातार लगा रहा। ऐसा नहीं था कि पहले अपनी अच्छी जिंदगी नहीं थी, खूब अच्छी पढ़ाई भी की थी, बहुत ऊंचे इंजीनियरिंग कॉलेज से, 80 के दशक में केवल गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते थे, कुछ NITs और IITs, वहां से पढ़ा MIT मुजफ्फरपुर से, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया, राज्य में 164वां रैंक भी था हमारा, और हम प्रतिभा वाले थे या नहीं, लेकिन अखबार में रोल नंबर तो हमारा भी छपा था, है ना, और बहुत अच्छी पढ़ाई की, फिर नौकरी की, फिर सिविल सेवा की तैयारी की, जो मध्यमवर्गीय मापदंड है उन सबों को पूरा किया और बहुत अच्छी नौकरी में आए, काम भी कर रहे थे। लेकिन फिर किस लिए कुछ और, क्यों क्यों इस बिजनेस की तरफ देखा? एक तो मैं हमेशा बोलता हूं कि ऊपर वाले की कृपा, वो तो सच है, नियति है, वो सबके साथ नियति है, हर कुछ हो सकता है लेकिन उस आदमी के बिना कुछ नहीं हो सकता है, इसको हमेशा याद रखेंगे, ये हमेशा याद रखेंगे। आदमी अपने गुरूर में भूल जाता है कि कहाँ चला जाता है। कुछ लोग जो नए नए सिक्के आते हैं बाजार में तो कुछ ज्यादा ही खनकते हैं, आप देख सकते हो कि पुराने लोग कितने गंभीर होते हैं। वो किसी ने कहा है ना कि खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, अभी मोहब्बत नई नई है, और उसका आगे का अंतरा है कि जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि बैठे हो अगली सफ में। भगवान ने आपको स्टार 15 क्या बना दिया, सिल्वर क्या बना दिया, गोल्ड बनाया, आप अगली कतार में बैठ गए, अब मेरा अपलाइन देख ले मैं क्या हूं, तू तो 10 महीने में सिल्वर गया था, मैं तो 4 महीने में। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि बैठे हो अगली सफ में, अभी हवा में उड़ने लगे हो, अभी तो शोहरत नई नई है, अभी तो शोहरत नई नई है। खामोश पल है, झुकी है पलकें, खामोश लब है, अभी मोहब्बत नई नई है। देखिए सुमित और तान्या जी सबको, कितने गंभीर हैं, EDC एग्जीक्यूटिव डायमंड्स हैं, जो खानदानी रईस हैं, है मिजाज नर्म उनका, पुराने अचीवमेंट्स लिए हुए, जो खानदानी रईस है मिजाज है नर्म उनका, बट तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। खामोश लब है, चुकी है पलकें, अभी मोहब्बत नई नई है। समझने की जरूरत है इन चीजों को, और जब आप इन चीजों को समझेंगे तभी बातें बदलती हैं। सो बिजनेस में आने के पहले बहुत आइडिया नहीं था कि ये बिजनेस इतना बड़ा है, इतना अच्छा है, इन तीन चीजों को समेटे हुए है, लेकिन जब एक बड़े फोरम में गया तब जाकर पता चला, और फिर मैंने भी निर्णय लिया कि नहीं, इस बिजनेस को ठीक से करूंगा। हर आदमी अपनी जिंदगी में किसी न किसी माध्यम से अपनी एक खुशहाल जिंदगी की कल्पना करता है और उसको पाना चाहता है, और उस खुशहाल जिंदगी की परिभाषा उसकी अपनी होती है, हर आदमी की अपनी होती है। लेकिन अद्भुत बात यह है कि 100 में से 99 लोगों की परिभाषाएं एक जैसी ही होती है, एक जैसी ही होती है, और वो शुरुआत होती है उसकी आवश्यकताओं से, रोटी कपड़ा और मकान से, और वहां से बढ़ती हुई वो अच्छा रोटी, अच्छा कपड़ा और अच्छा मकान में घुसती है, और फिर उसके आगे बहुत सारे उन चीजों को समेटने लगती है जो उनको चाहिए, जो उनको चाहिए, घर द्वार, गाड़ी, बंगला, सम्मान, शोहरत, घूमना, दोस्ती, मित्रता, अच्छा आदमी बनना, और बहुत सारी चीजें। राहुल सांकृत्यायन ने एक निबंध लिखा था, मैंने बचपन में पढ़ा था, गेहूं और गुलाब। उन्होंने लिखा था कि नाव के चप्पू की आवाज जब आई तो संगीत आया और लोगों को अच्छा लगा, लेकिन नाव का चप्पू इसलिए चला क्योंकि वो मल्लाह पहले अपनी भूख मिटाना चाहता था, गेहूं की जरूरत पहले पड़ी फिर गुलाब आया। एक आर्थिक भूख है, एक सांस्कृतिक भूख है, और इस दोनों का समन्वय जिसके पास है, संपूर्ण जिंदगी उसी के पास है, एक कंप्लीट लाइफ उसी के पास है, कंप्लीट पैकेज उसके पास है। आदमी जब पढ़ता लिखता रहता है, नौकरी में जाता है, तो उसे पता नहीं रहता है कि वो क्या लेने जा रहा है, वो तो बस समाज के पैरामीटर्स पर चलता है, जो सबसे पहले सबसे अच्छी चीज मिल जाती है उसमें घुस जाता है, 2-4-5 साल इधर उधर भी देखता है, और फिर उसी को अपनी नियति मानकर इति श्री रेवा खंडे शंख बजा देता है। 7वां अध्याय समाप्त।
और उसी पर अपनी पूरी जिंदगी काट लेता है। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। लेकिन दोस्त, अगर आपको तुलनात्मक अध्ययन करना पड़े, अगर आपको सोच कर जाना पड़े, बाय डिफॉल्ट ने बाय डिजाइन जाना पड़े, तब आपको फैसला लेना होगा विच इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, और तब चीजें निकल कर आपके पास आएंगी कि क्या चाहिए आपको, व्हाई यू वांट टू बिल्ड दिस बिजनेस, क्यों इस बिजनेस में हम घुसे, क्यों करें। अद्भुत अनुभव है मुझे इस बिजनेस का और लगातार होता जा रहा है, यात्रा चलती जा रही है। सिल्वर गए, गोल्ड गए, प्लैटिनम गए, प्लैटिनम फोरम लिया, फिर ALS में गए, फाउंडर्स प्लैटिनम हुए, फिर एमरल्ड हुए, फिर जोर लगाया, कुछ आदतें बदली तो डायमंड भी हुए, फिर EDC गए, फिर फाउंडर्स EDC गए, और यात्रा अभी जारी है। चीजें चलती ही चलेंगी, आने वाले 2 वर्षों में तो बहुत बड़ा मोमेंटम आने वाला है, चीजें बदल जाएंगी। बट ये सब क्यों किया, क्यों लगातार किया, क्यों नहीं बीच में रुक गए, क्यों अभी भी कर रहे हैं, क्या जरूरत है? क्या सिर्फ पैसे के लिए, या सिर्फ सम्मान के लिए, या बहुत पैसे के लिए, या कारण क्या है? तो मैं यहां पर बैठकर कोई तुलनात्मक अध्ययन और कोई कॉलम ए कॉलम बी नहीं बनाने आया हूं, लेकिन आपको बताने आया हूं कि जब आप आए हैं इस बिजनेस में और कर रहे हैं, तो समझिए क्यों इस बिजनेस को दुनिया में हर जगह लोग बिल्ड कर रहे हैं, हर तरह के लोग बिल्ड कर रहे हैं, समझने की जरूरत है। कुछ भी मैं बात करूंगा, आपके दिमाग में सबसे पहले पैसा ही आ जाएगा। और सच यह है कि आदमी की जिंदगी की खुशहाली का 80% भाग, 75% भाग पैसा प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से उससे ही जुड़ जाता है। तो यकीन मानिए, आप अगर इस बिजनेस को बेस्ट अपॉर्चुनिटी कहना चाहते हैं तो इसमें पैसे भी हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मैं आपको बैठकर चाहूं तो कभी 1 घंटे में बता दूं, कॉलम बनाकर आप समझ जाएंगे, कॉलम ए कॉलम बी और कॉलम सी बनाकर। कॉलम ए में जॉब रख दूं, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र। कॉलम बी में पारंपरिक व्यवसाय रख दूं, ट्रेडिशनल बिजनेस, और कॉलम सी में इस बिजनेस को रख दूं, तो एफर्ट इंडेक्स वर्सेस ग्रोथ एंड रिवॉर्ड्स दोनों रख दूं। तो एफर्ट इंडेक्स को तो हटा दीजिए, या इंटेंजिबल थिंग्स को तो हटा दीजिए, खटखट रॉ सिर्फ पैसे की भी बात करूं तो एक अदद कॉलम में कि नौकरी कोई लेने में आदमी अपनी 20 22 24 25 वर्ष की शानदार जिंदगी का बचपन और युवावस्था लगा देता है, आजकल तो बहुत ज्यादा। और कहां से शुरुआत करता है, कहां से शुरुआत करता है? अधिकांश लोग तो साल की सैलरी में ही फंस जाते हैं। कॉलम बी में घुसिएगा ट्रेडिशनल बिजनेस में, ये कमाने के लिए रुपये आपके लग जाएंगे। लेकिन इस बिजनेस के कॉलम सी में घुसिएगा तो अपना काम करते हुए, सब कुछ करते हुए 11% 13% भी अगर ठीक से आप मेंटेन करें तो आप वो मिसाल के बनाने लगेंगे। निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र में 5 से 7 लाख रुपए की सैलरी में जाने के लिए आप और मेहनत करेंगे, किसी परीक्षाओं को भी करेंगे। ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको 25-30 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, लेकिन इस बिजनेस में आप एक स्टार 15 है, राइजिंग स्टार है, मेंटेन कर रहे हैं, तो वो अपने आप में सफिशियंट होगा। यू कंपेयर ऑल दोस थिंग्स। एक बहुत अच्छी नौकरी पाने के बाद ही 8 से 10 लाख से आपकी कहानी की शुरुआत हो सकेगी, या 7-8 साल की नौकरी के बाद आप वो पाएंगे। एक अच्छे ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको कमाने के लिए इन्वेस्टमेंट करना होगा, लेकिन यहां पर अगर आप गाहे बेगाहे 2-3 महीने भी सिल्वर मेंटेन करते हैं, साल में अगर सिल्वर और गोल्ड प्रोड्यूसर भी रह जाते हैं तो भी 6-8 लाख रुपए आप साल के बना लेंगे। और 10 से 12 लाख रुपए लेने के लिए आपको एक अदद शानदार, एक अग्रिम पंक्ति की नौकरी अधिकारी बनना होगा, अपने शुरुआती दिनों में या अपने शुरू के 10 वर्षों में। ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको 1 करोड़ के आसपास घुस जाना होगा इन्वेस्टमेंट में, लेकिन यहां पर आप एक अच्छा प्लैटिनम बनकर, एक स्टेबल प्लैटिनम बनकर, एक सही स्ट्रक्चर के साथ आप वो बिल्ड कर सकते हैं। 25-30 लाख रुपए की बात 12-18 लाख रुपए की करूं, 25-30 लाख रुपए तो बहुत सारी नौकरियां तो विलुप्त हो जाएंगी जब 25 से 30 लाख की मैं बात करूंगा। बहुत सारे ट्रेडिशनल बिजनेस में आप 2-3 करोड़ के इन्वेस्टमेंट में चले जाएंगे, 1.5 करोड़ के इन्वेस्टमेंट में चले जाएंगे। यहां पर अगर आप सही फाउंडर्स प्लैटिनम विद गुड स्ट्रक्चर हैं, प्राइमरी एमरल्ड हैं, यू आर अर्निंग ऑल दोस थिंग्स। एंड आफ्टर दैट 30-40 लाख की बात करने पर तो नौकरी का कॉलम खाली हो जाएगा, कुछ प्राइवेट सेक्टर्स की अच्छी नौकरी मिलेगी, पब्लिक सेक्टर्स के ऊपर के GM एंड अबव मिलेंगे, या सीनियर गवर्नमेंट सर्वेंट्स विथ ऑल दोज फैसिलिटीज यू विल फाइंड परहैप्स देयर। इन ट्रेडिशनल बिजनेस यू हैव मच मोर क्रोर्स एंड क्रोर्स इन्वेस्टमेंट, बट हियर इफ यू आर कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट, ए वेरी गुड एमराल्ड अर्न्स ऑल दोज थिंग्स, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली। सो दिस इज द कॉलम, एंड इफ यू गो बिलो 50 लाख द जॉब विल बी, कहानी CEO पर आ जाएगी कुछ चंद बड़े ब्रांड्स की। नौकरी में कहां चले जाएंगे आप, क्या इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, कितना बड़ा रिस्क में घुस सकते हैं,
और अगर आप 1 करोड़ से ऊपर के कहानी में जाएंगे तो कुछ ही ब्रांड्स बढ़ जाएंगे जहां पर किसी की सैलरी प्राइवेट सेक्टर में होती है। 2 करोड़ से ऊपर घुसेंगे तो आपको हाथ में गिनने वाले लोग मिलेंगे, बट यहां पर आपको फाउंडर्स डायमंड ईडीसीज दे आर मेकिंग एंड दे आर इन फ्रंट ऑफ यू, आपके ही बीच के कोई लोग होंगे जो बनाते रहेंगे, और उसके ऊपर की कहानी तो लोगों की भूल जाइए। 25-50 करोड़ के ट्रेडिशनल बिजनेस के इन्वेस्टमेंट से नीचे की बात मत कीजिए। हियर यू कैन गो इन दैट वे। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द रॉ इनकम, नॉट द नेचर ऑफ इनकम, नॉट द इंटेंजिबल थिंग्स। आप स्किल डेवलप करने लगते हैं इसकी तो कोई चर्चा ही नहीं होगी। आपका नेचर इनकम क्रिएट करने का 10 साल 15 साल के बाद कुछ रहता ही नहीं है। 20 वर्षों के बाद आप मेंटोर होते हैं, यह सब कहीं है ही नहीं। वहां पर आपकी जिंदगी कठिन कठिनतर दुष्कर होती जाएगी, लेकिन यहां पर जिंदगी सुखतर सुखमय युवा युवा और युवा होती जाएगी। एंड दैट इज डिफरेंस दैट आई एम टेलिंग यू। बट फ्रेंड्स, दैट्स नॉट द रीजन। ये तो मैंने आपसे ऐसे चर्चा की कि सांसारिक बात है, मोह माया है, तो आप पैसे की बात करेंगे ही। और सच भी है कि पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। सच तो ये बात है, मैं मानता हूं पैसे से जीवन में आवश्यकता, विपरीत परिस्थितियों में लड़ने की शक्ति और अच्छी विलासिता करने, तीनों चीजों का आपको मौका मिलता है। ये धन धान्य का ये अर्थ है, ये संसार बना भी इसीलिए है कि आप पराक्रमी हो, पुरुषार्थी हो, आप लड़े अर्जित करें और संसार में जो चीज सुख बना है उसको भोगें। सच में बना है इसीलिए, अगर ये ना होता तो ईश्वर जंगल कंदरा गुफा बनाते, हम लोग भी तपस्वी बनकर बैठे रहते, वही खाते कंदमूल। फिर क्या जरूरत थी फरारी की, बीएमडब्ल्यू की, डुप्लेक्स की, कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन ये बना है इसी चीज के लिए। बट बॉस, कोई अपॉर्चुनिटी इसके चलते अच्छी नहीं होती है, ये तो उसका एक कारक है। अपॉर्चुनिटी अच्छी होती है उसकी एंट्री पॉइंट कितनी डेमोक्रेटिक है, वो कितना इंक्लूसिव अप्रोच रखता है, वो अवसर कितना समावेशी मॉडल है उसका, और कितनी संभावनाएं हैं उसमें, समाज कल्याण की कितनी संभावनाएं हैं, आने वाले दिनों में लिगेसी कैसे कन्वर्ट कर सकता है, ये सब चीजें मायने रखता है। और उस रेशियो में उस तरफ जब घुसेंगे तब आपको पता चलेगा व्हाई वी कैन बिल्ड दिस अपॉर्चुनिटी। आई एम टेलिंग यू दोस्त, हर जगह पर काम करने में आप सफलता ले सकते हैं और हर जगह आदमी आगे बढ़ सकता है, लेकिन दोस्त प्रजातांत्रिक तरीके से सबको एक साथ मौका मिले यह बहुत कम जगह होता है। और दुनिया में ऐसा अनोखा अपॉर्चुनिटी मैंने नहीं देखा जहां पर आदमी को जाति धर्म रंग भेद पृष्ठभूमि शिक्षा शहर स्थान खानदान सबसे मुक्त कर दिया जाता है और कहा जाता है तुम्हारे पास कुछ भी आज तक ना आया हो तब भी कोई बात नहीं, आज से शुरुआत करो, तुम आज से शुरुआत करो फिर तुम वहां पहुंच जाओगे। आई हैव नॉट सीन ऐसा समान अवसर जो आपको कुछ वर्षों में असमान बना दे, अनइक्वल बना दे, वो ये है। दिस इज कॉल्ड लोकतांत्रिक रूप। कोई पैसा नहीं, कैंसिल चेक आधार कार्ड से शुरू कीजिए, बिजनेस की शुरुआत हो गई। पान की गुमटी भी खोलने जाइएगा तो 50,000 रुपए का कठरा खरीदना होगा और जर्दा वर्दा सब लंद फन देवानंद आपको खरीदना होगा, लेकिन यहां सब तैयार आपके साथ है। और साथ साथ एक सीड कैपिटल लगाइए, जितना मन करे उतना लगाइए, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 से आपकी शुरुआत है। आप मैजिक कॉर्नर बनाएंगे, आप थोड़ा टूल्स लेंगे। दोस्त, इतना बड़ा व्यवसाय इस तरीके से शुरू हो तो इसका मतलब उसकी आंतरिक शक्ति बहुत बड़ी है, और यही समझने की जरूरत है, यही समझने की जरूरत है। लेकिन दूसरी तरफ अनलिमिटेड पोटेंशियल, सोचिए हर आदमी शुरू कर सकता है। मेरे ग्रुप में एक स्टूडेंट है रविशु, वो भी बिजनेस कर रहा है, मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा है। तो मेरे ग्रुप में उच्च पदाधिकारी हैं, बचे समय में पत्नी के साथ मिलकर वो भी कर रहे हैं। एक तरफ शिशुपाल जिसने मुश्किल से अंग्रेजी बोलने में सक्षम है, वो भी एमरल्ड है। तो एक तरफ आशीष झा है जो अंग्रेजी फर्राटे से बोलता है, किसी को भरा सकता है, सीईओ कंपनी का रहा, वह भी कर रहा है। एक तरफ 70 वर्ष का आदमी एनके वर्मा जी, वो भी डांस गलती से मिस्टेक पे कर रहे हैं, उतना ही अच्छा। तो एक तरफ यंग लड़का सुन भी कर रहा है। एक तरफ राजेश और रंजीत जिन्होंने शुरू में करियर के रूप को इस बिजनेस को अपना लिया, उसने बिजनेस की शुरुआत कर दी, फर्राटेदार कर दिया। तो ओम प्रकाश जी जिन्होंने मध्य में बिजनेस को पकड़ा और चल रहे हैं। कितना अंतर है प्रोफाइल में, कितना अंतर है स्लैब्स में, लेकिन सब एक साथ इस नाव से ही पार कर रहे हैं। किनारे में अलग अलग घरों से सब आए हैं, लेकिन इस नाव पर चढ़कर सब उसी किनारे जा रहे हैं जिसका नाम है डायमंड, जहां कंप्लीट पैकेज है। दैट्स द पावर ऑफ दिस बिजनेस।
That's why this is unique and the best opportunity. कहीं और शुरुआत से अंत तक मित्र बदलते जाते हैं, नौकरी बदलती जाती है, कंपनी बदलती जाती है, दुख सुख क्या होता है पता नहीं, 40 के कब हो जाते हैं, बाल कब पक जाते हैं, 50 होते होते कैसे दूरियां बढ़ जाती है, 60 के बाद जीवन कैसे समापन होने लगता है। यहां जिंदगी हर रोज नई करवट लेती है, एक नई आशा के साथ कि आज फिर एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड होगी, चीजें बदलेंगी और आदमी को मजबूत दर मजबूत करती चली जाती है। दुनिया में ऐसा अपॉर्चुनिटी और कहीं नहीं है। दैट्स व्हाई दिस इज बेस्ट अपॉर्चुनिटी आई एम टेलिंग यू। अनलिमिटेड पोटेंशियल, जितना आगे बढ़ना चाहे। मेरे ग्रुप में एक ऐसा आदमी भी आया जिसने कस्टमर बनाया है और वो 8,000-10,000 महीने में खुश है। तो मेरे ग्रुप में एक आदमी आया जिसको 8-10 लाख रुपए महीने से कमाएगा तो वो खुश नहीं होगा। कितना अंतर है। आप चाहें तो 5,000 रुपए महीने से शुरुआत कर लें, उतना ही कमाएं, चाहेंगे तो 50,000 वो भी यहां है, चाहेंगे तो 1 लाख रुपए महीने कंफर्ट है, 2 लाख, 3 लाख महीने, 5 लाख, 10 लाख, 15, जहां तक जाना चाहें। सच्चे श्यामला धरती खुली हुई है। आप क्राउन एम्बेसडर विद 40 FA points का 60 FA points, 80 FA points ले जाइए, 25 करोड़ का चेक लीजिए, एवरीथिंग इज रेडी इफ यू आर रेडी फॉर योर फ्यूचर। दैट इज कॉल्ड अनलिमिटेड पोटेंशियल। यहां पर कैप नहीं है कि ये प्रमोशन, ये प्रमोशन, ये प्रमोशन, बस यहां यहां यहां, इसके बाद सभी प्रश्नों के मान बराबर हैं, इसके बाद कुछ भी नहीं होगा, यहीं रहिएगा, फ्लैट हो जाएगा, रेखा फ्लैट हो जाएगी। दोस्त यही सच है, इसीलिए अनलिमिटेड पोटेंशियल। और क्या है, सब कुछ होने के बावजूद भी कोई मुझे कह देता कि 10 से 6 बजे के बीच में इस बिजनेस को करो तो मैं कभी करता नहीं, करता क्योंकि इसकी योग्यता ऐसी है, किसी को भी करने के लिए घुसा देती है। लेकिन इस बिजनेस में फ्लेक्सिबिलिटी है। लोगों को कभी कभी गलत फहमी होती है कि इसको नहीं करके उसको करने की जरूरत नहीं है। दुनिया में बहुत कम ऐसा जगह है जहां पर आपको इतना लचीलापन मिलता है। यहां आपको जब समय मिले तब कीजिए, शाम को 6 बजे कर लीजिए, 8 बजे कर लीजिए, 9 बजे से 11 बजे कर लीजिए, मुंबई में लोग करते हैं, सैटरडे संडे कर लीजिए, जब जितना मौका मिले। हफ्ते में अगर आपने 10 से 12 घंटे क्वालिटी के सही निकाले, बिजनेस आपका चल जाएगा और सही तरीके से करने लगे तो उड़ जाएगा। तो ये भी इस बिजनेस की ताकत है, इसीलिए सब लोग कर लेते हैं। और इन सबों के अलावा आपको एक टीम मिलती है, एक एक्सपर्ट टीम मिलती है। बहुत बार लोग करना चाहते हैं, सिचुएशंस भी ठीक होता है, लेकिन डर लगता है, उनको अपने पर विश्वास नहीं होता है। पहले तो मैट्रिक सेकंड डिवीजन ही किए थे, सेक्शन अफसर से तो आगे बढ़ नहीं पाए थे, डॉक्टरी भी ठीक से नहीं हुआ था, हम कैसे करेंगे। अच्छा वो सब तो ठीक किए थे, इसमें लोग से मिलेंगे कैसे, बोलेंगे कैसे, डर लगता है, बहुत डर लगता है, नहीं होगा, हमको शर्म आता है प्रोडक्ट लेके जाने में, तमाम तरह की उलझने। लेकिन दोस्त यहां पर पहले दिन से आपको एक परिवार गोद में ले लेता है, ठीक उसी तरह से जैसे एक नया बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेते ही एक परिवार गोद ले लेता है। बच्चा कभी सोचता है कि माँ के पेट में 9 महीना हो गया, कैसे निकलेगा, हवा कैसे लगे, सांस कैसे लगे बाहर में, कोई इंजेक्शन दे दिया तो क्या होगा, हमको कोई पकड़ा नहीं तो क्या हुआ, सोचता है नहीं। प्रकृति ने बनाया ही ऐसे है कि 9 महीने के बाद जैसे वो निकलता है पूरा खानदान उसको गोद में ले लेता है। लेते ही तुरंत इंजेक्शन, DPT का, ये का, इम्यून सिस्टम, ये घर लाना, रूई से पोंछना, दूध पिलाना, माँ फीड कराने लगती है, दलिया बनने लगती है, छठी होने लगता है, महोत्सव होने लगता है, 6 महीने साल भर में उस बच्चे का इम्यून सिस्टम ठीक कर दिया जाता है और समाज में वो दौड़ने लायक हो जाता है और अब वो दौड़ सकता है। दैट्स द वे द नेचर इन सोसाइटी गोज। इस बिजनेस में भी एक एक्सपर्ट टीम होती है, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, ब्रिट वर्ल्ड वाइड के एसोसिएशन ओपन मीटिंग, जो सब मिलकर आपको एडाप्ट कर लेता है। आप बस उनकी गोद में चले जाते हैं, स्थिर से 6 महीने साल भर 2 साल रहते हैं, आपकी भी एडाप्टेबिलिटी, इम्यून सिस्टम बन जाता है और फिर उसके बाद आप खतरनाक हो जाते हैं, कोई भी पिन ब्रेक कर सकते हैं, यू कैन गो अप टू क्राउन एम्बेसडर। कहीं नहीं है दोस्त दुनिया में। दैट्स व्हाई दिस बिजनेस इज यूनिक, जो और लीगों से अलग होता है। लेकिन यही नहीं कारण सिर्फ है, कितने कारण है, सबसे बड़ी बात है यहां कॉम्बिनेशन कई चीजों का एक साथ कॉम्बो प्लान है। समय, आजादी, क्या बात है, दुनिया में पैसे तो बनते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन समय खत्म हो जाता है, जिंदगी से समय उड़ जाता है, कपूर की तरह जो पढ़ते ही वाष्प की तरह निकल जाता है। आदमी कब 60 का होता है और कब चीजें बदल जाती हैं वो पता नहीं चलता है। दोस्त मैं सच बताता हूं आपको, आपको और हमको किसी को पता नहीं चलता है जब रोज की आपकी भागती जिंदगी, बच्चों का जीवन में आना, उनकी परवरिश, उनका डायपर, जिंदगी में अपने दोस्तों का ख्याल, पुराने दोस्त, गेट टुगेदर, पता नहीं कहां सब चला जाता है अचानक इस नौकरी में, समय ही नहीं बचता है। और आपके जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रोमांस, वो किसी घर के कोने में छिप जाता है,
पत्नी का श्रृंगार जो देखकर आप पहले उसको वाह वाह करते थे, आप अपनी आंखों से देख भी नहीं पाते। और ये सब न जाने जिंदगी को इतना रविश, इतना एक ऐसे कोने में करता है कि आदमी जीने की इच्छा, मरने की इच्छा तो नहीं करता है लेकिन जीता भी नहीं है। और ये सब इसलिए होता है कि आपके पास समय नहीं होता है, आप कहीं धुन में लग जाते हैं। उस धुन में जो साधन था उसी को साध्य बना लेते हैं, जो टूल था किसी चीज को पाने का वही आपका डेस्टिनेशन हो जाता है। आपका पेशा साधन था खुशियों को पाने के लिए, लेकिन पेशा ही आपका साध्य, आपकी मंजिल बन जाती। लेकिन दोस्त यहां पर कुछ वर्षों काम करके आप अपने समय को निकाल सकते हैं और आपकी भावनाओं का जहाज फिर एक ऐसे बंदरगाह में लग जाता है जहां पर ये सब चीजें लौटने लगती है। अब फिर से पत्नी के साथ प्यार, एयरलेस ट्रिप में घूमना, ढेर सारा शुमार, श्रृंगार रस, पिता के साथ मिलने की छुट्टी, श्रवण कुमार मनने का कायल होना, एवरीथिंग इट विल कम। मैंने बहुत कुछ सोचा था लेकिन सब पहले नहीं हो पाता था। पिछले 5 वर्षों में कितनी बातें बदल गई हैं। सुनीता के साथ जीवन एक दूसरे कॉन्सेप्ट में चला गया है। हम दोनों एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप में समझते हैं, मजे करते हैं, क्योंकि समय है। सवेरे बैठते हैं खूब अच्छे से इसके साथ, 11 बजे तक कुछ नहीं करते हैं, बात करते हैं और सोफे पर बैठकर देखते हैं, किचन में काम करती रहे या कहीं भी। दैट इज ऑल्सो ब्लिस टू लीव योर लाइफ, आई एम टेलिंग यू। पिता के साथ घूम रहे हैं, पुरी गए हैं, रामेश्वरम गए, अभी अहमदाबाद जा रहे हैं तो लेके द्वारिका जाएंगे, द्वारिकाधीश जाएंगे, उनको अहमदाबाद भी घुमाएंगे, सूरत भी घुमाएंगे। 81-82 वर्ष की उम्र है, किताब लिख रहे हैं, उनके किताब के लिए दौड़ रहे हैं। अब लगता है 1 वर्ष पिता के नाम ये भी दूंगा। मेरे भाई ने लिखा, भैया 1 वर्ष पिता के नाम, तो 1 वर्ष पिता के नाम। लेकिन ये 1 वर्ष कभी आता ही नहीं आपकी जिंदगी में। यहाँ ये इस बिजनेस में आप इस 1 वर्ष को क्या कई वर्ष को लेते चले जाएंगे। कुमार इज लिविंग इज ओन लाइफ, कांति इज लिविंग इज ओन लाइफ, अनुराग इज लिविंग इज ओन लाइफ। कभी यहां से वहां बदल लेते हैं, कभी वहां से वहां। आई एम ऑल्सो विलिंग टू डू, थोड़ी और ग्रोथ लूं, और मजा करूं, लेकिन जिंदगी भी साथ दूं। आजादी कहां मिलती है? आजादी कहीं नौकरी कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, आजाद कहां से हो सकेंगे? कहीं ना कहीं तो किसी से जुड़े रहेंगे। यहां पर मेरा कोई बॉस नहीं है, मेरे अपलाइन मेरे बॉस नहीं है, मेरे प्यार करता हूं, उनको रेस्पेक्ट करता हूं, समर्पित हूं उनको, उनके साथ मिलकर जीऊंगा, यारी दोस्ती है, बॉसेस नहीं है, नाम का कहीं नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते, किसी ने कोई कड़ी ऊंची आवाज में कहने की बात नहीं, क्योंकि दोस्ती यारी के साथ संबंध है, पार्टनरशिप के साथ संबंध है। और इसीलिए यहां उड़ान भरने आए हैं। वहां पर एक पिंजड़े में भरकर अच्छा अच्छा खाना था लेकिन पिंजड़े के अंदर थे। वो उस पक्षी की पुकार थी जो जिंदगी में सब कुछ चाहता था लेकिन उसको सोने के पिंजरे में रखा गया था। नीर न दो चाहे टहनी दो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, आकुल उड़ान में विघ्न डालो। आजादी है, अपनी जिंदगी है, अपने स्टाफ हैं, लोगों के साथ बैठता हूं, जिसको जो मन करता है वो चेक आता है तो उस चेक को जिसको बांटूं मजा आ जाएगा। इस महीने अभी खाली कर दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगले महीने फिर आएगा, फिर अगले महीने आएगा, अगले महीने, क्योंकि सॉलिड स्ट्रक्चर बनाया है, लीडर्स आफ्टर लीडर्स आफ्टर लीडर्स आफ्टर लीडर्स क्रिएट किया, दैट इज फ्रीडम विच दिस बिजनेस हैज गिवन। इसलिए ये अपॉर्चुनिटी शानदार है दोस्त। सम्मान, रिकॉग्निशन, लोग, सब चीज मिलता है, लेकिन सबसे बड़ा मोह उसको जिस चीज से होता है वो यश होता है, यश का भूखा होता है। अर्थ धर्म काम मोक्ष की बात होती है, हर एक आदमी को सबसे बड़ा पुत्र मोह से भी बड़ा आत्म मोह है। आपको इस बिजनेस में यश कीर्ति मिलेगी, हजारों लोग सुनेंगे, हजारों लोगों को प्यार देंगे, वो आपको प्यार देंगे, आपकी सेल्फी के लिए तरसेंगे, आपको लाइक करेंगे, सोशल मीडिया में आपका एक फोटो क्या गिरेगा, हजारों लाइक्स आ जाएगा। जिस एयरपोर्ट पर उतरेंगे लोग वहीं सम्मान करेंगे, जहां उतरेंगे वहीं, इस देश में नहीं पूरे विश्व में, जहां 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 आप जाइएगा 108 देशों में आपकी पूछ है, बुक्स में हो चाहे सोशल मीडिया में हो चाहे किसी में हो, रिकॉग्निशन रिकॉग्निशन एंड रिकॉग्निशन। अभी मैं साथ में था, दूरदर्शन से ऑफर आया भाई एंटरप्रेन्योर पर बोलने के लिए, इंडिया टुडे ने पहल कर दी है, लॉट ऑफ थिंग्स आर कमिंग, एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है और उस कॉन्सेप्ट के अगर आप तीमारदार बनेंगे तो यश कीर्ति तो आपको मिलना ही मिलना है, सम्मान तो आपको मिलना ही मिलना है, और वो यहां है। स्वास्थ्य, हेल्थ, हेल्थ की बात करें तो खेल ही हेल्थ पर है, इसके प्रोडक्ट्स ही हेल्थ पर हैं, बिजनेस की बातें ही वैसी हैं, जीवन में घूम फिर कर मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ तंदुरुस्त रहने की बात है। 90% तो मानसिकता ही आपकी अच्छी हो जाती है तो तंदुरुस्त हो जाते हैं, और आप भी यहां मस्त होकर काम करते रहे दोस्त। ट्रेवल, ट्रेवल तो इस बिजनेस में
और कॉर्पोरेट्स की तरह ट्रेवल नहीं है जहां पर आप ट्रेवल में भाग 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 मिल्खा भाग बने रहेंगे। यहां ट्रेवल का मतलब है हॉलिडे, यहां ट्रेवल का मतलब है आप जहां जाना चाहें आप जा सकते हैं। पर्टिकुलर लेवल के बाद फाउंडर्स प्लैटिनम एंड अप में आप एएलएस लेते हैं। पिछले 17 वर्षों से हम और सुनीता 45 से ज्यादा देशों में घूम रहे हैं, अभी भी स्पेन से घूम के आए हैं, पर्सनल ट्रिप घूम रहे हैं। घूमना तो ऐसे हो गया जैसे कि यहां से निकलकर फतवा जाएं और आरा जाएं, वैसे हो गया। अब तो पैकिंग भी करने में हम लोग आलस करते हैं, दो चार डाल लेते हैं, इतने एकस्टम्ड हो गए। अब तो जाते हैं जब इमिग्रेशन के लिए तो पासपोर्ट देख के ही जो कस्टम्स ऑफिसर होता है कुछ कहता ही नहीं है, इतना ठप्पा लगा हुआ और इतना पासपोर्ट बना है कि क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, क्या बोलेगा। आनंद ही आनंद है दोस्त, ये सब इसी बिजनेस में प्राप्त किया है। अभी तुरंत आए हैं बार्सिलोना मेडल से, क्या जिंदगी है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को लोग ड्रीम करता है, उसके सेंट बर्नाब्यू स्टेडियम में बैठे हुए थे, हम लोगों के अलग से पूरी लंच थी। लोग ड्रीम भी नहीं कर सकते हैं 10 करोड़ देके भी उस बर्नाब्यू स्टेडियम में अलग से आपके लिए कॉकटेल नहीं हो सकता। हम अपने सर्वश्रेष्ठ लोगों के साथ वहां कर रहे थे। वी वेयर ऑन हॉट एयर बैलून, द मोस्ट एडवेंचरस गेम। 20 किलोमीटर का सफर हमने 18,000 फीट पर हॉट एयर बैलून में तय किया। कैन यू बिलीव इट, ऊपर 15,000 फीट पर, नीचे सब छोटा चुनमुन हो गया और एक छोटे से बेत के बास्केट में बैलून लग के उड़ रहा है और मजा तो बहुत ले रहे हैं, साथ साथ हनुमान चालीसा भी पढ़ रहे हैं। कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कुछ दिखता ही नहीं है। सतर्कता हटी दुर्घटना घटी, लेकिन एडवेंचर ही एडवेंचर है लाइफ में, सोचेंगे तो क्या काम होगा। इतना ये जिंदगी है दोस्त। अभी तुरंत सिंगापुर जाएंगे, यॉट पे बैठना, वहां बैठना, आगे लास वेगास जाएंगे, कहां जाएं और कहां नहीं जाएं, जिस देश का नाम लीजिए वही है। अब साउथ अमेरिका बचा है, उस साउथ अमेरिका को भी कवर कर लेंगे अगले 2-3 साल। लाइफ इज ऑसम एंड दिस कैन बी ओनली डन बिकॉज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। दोस्त मैं कितनी बात बताऊं और कितनी नहीं बताऊं, लेकिन जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है वो लगती है अपनी भारतीय दर्शन, भारतीय परंपरा के साथ इसका सीधा संबंध, और विशेषकर भारतीय स्त्री के साथ। लिखा जाए आलेख तो दुनिया में और किसी काम ने ऐसा एम्पावरमेंट प्रोग्राम नहीं किया जैसा घर की महिला को स्टेज पे लाकर एक शानदार व्यक्तित्व बना दिया, और उसकी साक्षात मिसाल है सुनीता। जोरदार तालियां सुनीता के लिए, फील स्पीक समथिंग। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, बहुत मजा आ रहा है ना, इतने अच्छे से लोग अच्छी अच्छी बातें करके आए और लगता है आप लोग अपने बिजनेस में डाल के उसको बहुत अच्छा बिजनेस बनाने वाले। मैं सुनीता प्रियंवर, 17 साल पुराना बिजनेस और बहुत मजेदार लाइफ, बस यही है। क्यों है, बेस्ट है। और 2 दिन पहले मैं प्रियंवर से ऐसे पूछी कि किस टॉपिक पे हम लोगों को बात करना है, तो बोले कि कोई टॉपिक नहीं है, क्यों बेस्ट है और इसको करना क्यों बेस्ट है, यही इसी बात पे बोलना है। तो मुझे लगा जो 17 साल की कहानी होगी अगर उसको मैं बोल दूं तो वही बेस्ट है। तो प्रेमद को मैंने बोला, प्रेमद ऐसा तो सब तो अच्छा ही हुआ इस बिजनेस को बिल्ड करके इसमें, तो बोला वही अच्छा बोल देना। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये बिजनेस बहुत अच्छा है, ये आप सबको भी पता, इसीलिए यहाँ पे आप बैठे हुए हैं, आप करना भी चाहते हैं इसीलिए यहाँ पे आप बैठे हुए हैं। तो मैं थोड़ा सा कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करके आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि ये द बेस्ट है। देखिए कुछ शब्द थे, मैं जब बिजनेस से पहले भी मेरी बहुत अच्छी लाइफ थी और प्रेमवत जी बहुत अच्छे जॉब में थे और बहुत अच्छी लाइफ थी मेरी, बट कुछ शब्द थे उस समय भी लगता था कि डिफरेंट है, वो हम लोगों के लिए नहीं है, ये कुछ अलग से एलीट क्लास के लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, कुछ डिफरेंट है, इसीलिए ये सब शब्दों का इस्तेमाल उन्हीं के लिए और वही इससे उनका लाइफ सार्थक होता है इन शब्दों से। बट आज के डेट में कुछ शब्द है जो स्लोगन भी है, 4 वर्ड में 4 बहुत खूबसूरत शब्द हैं जिसे फुलफिल कर देता है कि वो क्या है। फैमिली, होप, रिवॉर्ड एंड फ्रीडम, तो ये 4 चीज है जो चाहिए, हर लोगों को चाहिए, बट कोई ना बताने वाला है ना उसके लिए हम प्रयास करते हैं। ये जब आए तो ये 4 शब्दों का मतलब समझ में आया और धीरे 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 ये सब मेरे लाइफ में आया और आज लग रहा है कि ये 4 शब्द मेरे लिए भी बने थे और सार्थक लग रहा है। और फैमिली, देखिए फैमिली हर लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा, बट फैमिली इम्पोर्टेंट उसी लेवल तक होता है, कोई भी पेरेंट्स जहां तक कर पाते हैं, जितना कमा पाते हैं उसी हिसाब से अपनी फैमिली को लेते हैं।
उसी हिसाब से अपनी फैमिली को ऊपर बढ़ाते हैं, उनको हेल्प करते हैं, उनको रिवॉर्डेड करते हैं अपनी फैमिली को। बट थोड़ा सा जो अपग्रेडेड पेरेंट्स हैं या सोचते हैं उससे ज़्यादा जो कुछ और करना चाहते हैं, उनको लगता है कि इतने प्यारे प्यारे मेरे बच्चे हैं, अगर कुछ और मैं कर सकता इसके अलावा तो शायद इसको और बेस्ट दे सकता मैं। बट उससे भी जो अच्छे अपग्रेडेड मदर फादर हैं वो करते हैं इस काम को और द बेस्ट लाइफ देते हैं अपने बच्चों को, वही है ये बिजनेस। तो फैमिली को हमने इस बिजनेस को बिल्ड किया, अच्छी लाइफ थी और इसी बिजनेस के क्रम में मेरे सब बच्चे हुए। एक बड़ी बेटी थी 1.5 साल की, हमने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, 2 बच्चे इसी बीच में आए और छोटे छोटे थे, अच्छी लाइफ देना चाहते थे और आज के डेट में हमने अपनी फैमिली को यहाँ से यहाँ उठा के ले गए बिकॉज दिस हेल्प दिस बिजनेस। इस बिजनेस की मदद से हमने अपने फैमिली को द बेस्ट लाइफ दिया। तो ये फैमिली का ट्रू अर्थ, इस बिजनेस को आप बिल्ड करेंगे तभी आप कुछ दे पाएंगे उनको, उनको और अच्छा ड्रीम देख के उनको अच्छी लाइफ आप दे सकेंगे। फ्रीडम पहले भी थी क्योंकि अच्छे सोसाइटी में रहते थे, प्रेमवत जी बहुत अच्छे ह्यूमन बींग, सब चीज़ की फ्रीडम थी, जो मर्जी हो खरीद सको, जहाँ मर्जी वहाँ जा सको, इस टाइप की फ्रीडम थी। बट आर्थिक फ्रीडम थी, बट बौद्धिक फ्रीडम इसी बिजनेस को बिल्ड करते करते मुझे मिली। आज प्रेमवत भी बोलते हैं किसी चीज़ को अगर सोचते हैं, हम लोग बैठ के इस पर बात करते हैं और इनको हम बोलते हैं कि ऐसे करोगे तो शायद अच्छा होगा, उसमें हमने ऐसा देखा अगर इसको ऐसे करें तो शायद वो अच्छा बिजनेस करेगा। तो ये बौद्धिक फ्रीडम है, इसी सिस्टम और इसी बिजनेस का कमाल है जो हमें मिला इस बिजनेस में, और ये तभी होगा जब हम बिजनेस को बिल्ड करेंगे। बिजनेस मेरे लाइफ में आया था 17 साल पुराना पहले और ये 18वां साल है। बिजनेस को बहुत खेल खेल में हमने शुरू किया था और यकीन मानिए बिजनेस को हमने देखा भी नहीं था। प्रेमजीत इतने एक्साइटेड होकर बिजनेस को लेके आए तो हमने साइन कर दिया। तो बिजनेस को हमने साइन किया और धीरे धीरे इसको सीखते गए क्योंकि इस बिजनेस का जो प्रोसीजर था, जो तरीका था, मुझे बहुत पसंद आया पर्सनली। तो हमने बहुत इंजॉय किया इस बिजनेस को और सीखते सीखते यहाँ तक आए और आज एक सक्सेसफुल लाइफ है अपने हिसाब से, हम लोगों का इस बिजनेस के हिसाब से तो बहुत सक्सेसफुल लाइफ है और हम यहाँ तक आए। और होप हर लोगों को बहुत ज़रूरी है, ये आप समझिए। अगर ये लग जाए कि हम बीमार पड़ जाएंगे तो शायद जिंदगी जीने में कभी मन नहीं करेगा। अगर ये लगे कि मेरे बटुए में इतना ही पैसा रहेगा तो शायद बहुत अपनी ही लाइफ को बहुत धो के लोग ले जाएंगे। लेकिन अगर ये होप रहे कि हम अच्छी जिंदगी जी सकते हैं और पैसे बना सकते हैं तो शायद जीने में बहुत मजा आएगा। तो ये बिजनेस होप भी देता है। हर लोग जो भी बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, एक टाइम के बाद वो सेटल हो जाते हैं कि हमने जितना मेहनत करना था, जहां तक जाना था हमने कर लिया, अब इसी के बेस पे मेरा लाइफ चलेगा। बट ये बिजनेस आपको ड्रीम भी देखने के लिए रास्ता दिखाता है और आप में होप भी देता है। हमने भी ड्रीम जो देखा था, प्रेमा से शादी करनी थी, अच्छी लाइफ मिल गई और ड्रीम मेरा खत्म हो गया। बट इस बिजनेस को बिल्ड करते करते नए नए ड्रीम्स आए, नए नए ड्रीम देखने का प्लेटफॉर्म मिला मुझे और एक से एक ड्रीम आता। आजकल बच्चे भी चढ़ाते मम्मा को, तो एक से एक मैंने शौक चढ़ा है, ड्रीम चढ़ा है। तो ये एक बिजनेस है जो हम लेडीज को थोड़ा स्पेशली बोलेंगे, वो जो देख सकती हैं, जो करना चाहती हैं, सब है इसमें। बस सत्य कि आप हस्बैंड वाइफ मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड कीजिए और यही एक बिजनेस है। रिवॉर्ड तो इतना मजेदार है इस बिजनेस का रिवॉर्ड कि मत पूछिए। ये जो भी प्रेमद इतनी अच्छी बातें की, फ्री ट्रिप, बहुत अच्छा अच्छा ट्रिप मिलता है और शायद हम अपने बच्चों को भी हनीमून पे भेजेंगे तो उतने वेल प्लान्ड करके नहीं भेज पाएंगे। अभी हम 1 महीना पहले बार्सिलोना से आए, बहुत मजेदार ट्रिप था, कोई टेंशन नहीं, उठ के यहाँ से जाइए और उठ के वहाँ से चले। फ्लाइट का तो मत पूछो, हमने लाइफ में इतने रंग के फ्लाइट पे चले, बट अल्टीमेट था इस बार का जो रिटर्निंग वाला फ्लाइट था। तो ये सब इस बिजनेस ने रिवॉर्ड दिया हम लोगों को और ये रिवॉर्ड तो वो देता है बट आपके सोच में भी रिवॉर्डेड करता है ये बिजनेस। आज के देखिए, आज हम जब जैसे प्रेमद बोल रहे थे कि इंडियन कल्चर से जुड़ा हुआ ये बिजनेस का ये तरीका है इसका, तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो कॉन्सेप्ट था पहले ज्वाइंट फैमिली का, आजकल के बच्चे नहीं पसंद करते थे। हम लोग थोड़ा बचा हुआ था क्योंकि मिडाइवल पीरियड से बिलोंग करते हैं तो उसका फायदा देखे हुए थे और लगता था कि वो होना चाहिए। बट ये बिजनेस फिर से ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट लाता है। आज इतनी अच्छी सी लेडी लीडर आई, इतनी अच्छी लेडी लीडर है, वो लोग मस्त बहुत अच्छा फैमिली भी चलाती है और इतना ह्यूज फैमिली को भी बहुत अच्छे से लेके चलती। तो ये कॉन्सेप्ट इसी बिजनेस में है कि आज के डेट में नहीं पता है बट हर लोगों का यूज है घरों में, हर लोगों
का कंट्रीब्यूशन है आपके ग्रोथ में, बड़े लोगों का भी और आपके स्टाफ का भी। पहले था, लेकिन पहले स्टाफ को लोग स्टाफ करके समझते थे, बट हम जो ये ब्रिट वर्ल्ड वाइड इतना वैल्यू करता है दिमाग में, इतना वैल्यू देता है आपके संस्कार में कि बातें अच्छी अच्छी निकलती हैं। जैसे मेरा बेटा ही परसों बोल रहा था कुछ, उसको मेड जो मेरे यहाँ 17 साल पुरानी है उससे कुछ मांगी, तो बोले कि नहीं देंगे, तो बोली कि इसीलिए आपको पाले हैं, तो वो बोला कि नहीं हाँ तुम थोड़े ना पाली हो, मम्मा पाली। तो मैं तुरंत उसको इंटरप्ट की कि नहीं मम्मा अकेले शायद इतना अच्छा से तुम्हारा केयर नहीं करती, उसके हेल्प से मैंने बहुत अच्छा तुमको पाला है, क्योंकि मेरे सोने के बाद रोते थे तो वही तुमको गोद लेती थी। तो उसको भी थोड़ा खराब लगा तो वो दे दिया जो वो मांग रही थी, तो मेरे मेड को भी अच्छा लगा, मेरे बच्चों में भी अच्छी बातें गई। तो ये वैल्यू कहाँ से आता है, ये ब्रिट वर्ल्ड वाइड ही सिखाता है, क्योंकि बहुत जगह ये बोलने में भी ईगो होता है कि स्टाफ तो स्टाफ है, बट हर स्टाफ आपको ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करता है, ये समझने की बात। वो आपके यहाँ नौकरी करता है, उसका बस उतना ही ड्रीम है, बस वो नौकरी करता है, बट इसलिए आप ग्रोथ ले रहे हैं, उसका ड्रीम है बस नौकरी करना और अपना घर चलाना, और अब आपके ड्रीम को नौकरी करके पूरा करता है, आप ग्रोथ में बहुत कंट्रीब्यूशन है। बड़े लोग का बहुत यूज है घर में, ऑर्नामेंट है घर के, अगर उनको अच्छे से तैयार करके हम चेयर पे भी बैठा देते तो एक संस्कार होता है घर का। मैं तो आजकल यही बोलती हूँ, प्रेमद भी थोड़ा एक दिन मेरा ऐसे मुंह देखने लगे, हमने नहीं जी माँ बाबू जी अब थक गए, ऑर्नामेंट है, उनको सजा के ऐसे ही बैठाए रखो, अच्छी अच्छी बातें करते हैं बच्चों को वही वैल्यू करेगा। क्या है नौकर चाकर है, खाना पीना देख देते हैं, आप चले गए अभी घर में तब मुझे फील हो रहा है कि उनकी कमी क्या होती, अभी ध्यान मेरे बच्चों पे लगाओ। तो सबका वैल्यू ये बिजनेस ही समझाता है, कोई ईगो नहीं, घर के स्टाफ से लेकर बड़े लोग सब आपका आपकी हेल्प करते हैं आपको आगे बढ़ने, तो ये संस्कार दिया इस बिजनेस में। आज पैसे भी आए तो हमने बहुत बड़ा घर बनाने का भी सोचा, और ये भी ड्रीम देखा इस बिजनेस में, और वो घर बनाने की बहुत लोगों ने बहुत ढंग से बातें की कि घर बना के फंस जाओगे, कहीं जा नहीं पाओगे, क्या करोगे, दो फ्लैट मिला के रह रहे हो, घर बड़ा तुम्हारे लिए पैर का बंधन होगा। लेकिन मैंने सोचा नहीं, मेरे यहाँ 20 साल पुराना एक स्टाफ है, 17 साल पुरानी एक मेड है, 7-8 साल से दो है, एक नया है उसको भी 2 साल हो गया, सबको हम कमरे देंगे, और अभी जो टाइमर है वो फुल टाइमर हो जाएगा, तो मेरा तो और अच्छा ही होगा ना, मेरे लिए बुरा क्या होगा, और तो और मेरा मदद होगा उससे, तो उनके लिए हम कमरे बनाएंगे, माँ बाबू जी रहेंगे, बच्चे भी इंजॉय करेंगे, तो हम घर बनाएंगे और कोई बंधन नहीं होगा, बड़ा सा घर बनाएंगे, उसको अच्छे से रखेंगे, बाहर से बीबीएस करने आएंगे, गेस्ट आएंगे उनको ठहराएंगे, मेरे डाउनलाइन बाहर से आएंगे उनको हम रखवाएंगे, आप लोग जाएंगे वहां पे रहेंगे, और जो बाहर से आएंगे वो भी ड्रीम लेके जाएंगे कि ऐसा हाउस मुझे भी बनाना है। तो ये ड्रीम दिखाता है, ये ड्रीम दिखाता है। तो और एक ये भी बात, प्रेमद बोले लास्ट में, हमने ये बहुत इमोशनल स्टेटमेंट दिया, प्रेमद बिना घर बनाए मर जाएंगे फ्लैट में ही रह के, तो प्रेमद फिर उसके बाद कुछ नहीं बोले, तो बना ही लेते। तो ये ड्रीम देखने का जगह दिया, पैसे भी है, लोगों का ताकत भी है, और अपने पे विश्वास भी है कि हम कर लेंगे। तो ये बहुत मजेदार बिजनेस है, मैं यहाँ से और कुछ नहीं बोल पाऊंगी, बहुत मजेदार बिजनेस है। आप लोग सब समझदार हैं और सब बिजनेस की समझ रखते हैं, इस बिजनेस को बिल्ड कीजिए। देखिए यही एक बिजनेस है जिसके चुनौती बोलने में, जिसका जो कष्ट होता है ना बिजनेस बनाने, वो भी बोलने में मजा आता है, क्योंकि एक लेवल पे आप इतने समझदार हो जाते हैं कि लगता है अगर इतनी चुनौतियां नहीं आती शायद इतने सक्सेसफुल नहीं होते, तो आज वो बात भी बोलने में मजा आता है। और हर और जगह की जो चुनौतियां होती है ना, उनको लोग भूत की तरह याद भी करना नहीं चाहते हैं पीछे की बातों, बट इसमें पीछे की बातों को याद करके अपने आप को और बुस्तक करते हैं, भीतर से एनर्जी लाता है वो चीज, दूसरों को मैसेज देते हैं नहीं ऐसा हुआ तो हम तो सक्सेसफुल, आप भी हो सकते हैं। तो यही है ये बिजनेस, और आज आप वहां से एक प्रेमद सुनीता को देख रहे हैं, बट मेरे लिए इसमें बहुत सारे प्रेमद सुनीता, रंजीत, राजेश, मनोज सब बैठे हुए। आप इस बिजनेस को पेशेंसली बिल्ड कीजिए, और देखिए इतना रिवॉर्डेड करता है ना ये बिजनेस। मैं तो छोटी छोटी बातों को इसी में सीखी हूँ, मैं थी प्रेमवत जी की मिसेज थी, मिसेज प्रेमवत, सुनीता भी कोई नहीं बोलता था, मिसेज प्रेमवत, बड़ा प्राउड होता था, अभी भी प्राउड होता है मिसेज प्रेमवत, बट धीरे धीरे बिजनेस करते करते आज प्रेमवत सुनीता हो गए, स्टेज पे बुलाओ प्रेमवत सुनीता, सीडी में प्रेमवत सुनीता, सीडी सुना किसका प्रेमवत सुनीता, तो बस एक यूनिट हो गया, तो सक्सेसफुल तो होना ही है, हैं? तो हम लोग हस्बैंड वाइफ होते हैं बट अलग अलग रहते हैं, बट इस बिजनेस को बिल्ड करते एक सोच हो जाती है, एक ढंग से घूमना फिरना एक साथ,
पूरी जिंदगी हस्बैंड वाइफ रहते हैं, अलग अलग लाइफ बिताते, उनकी नौकरी होती है, मेरी गृहस्थी होती है, बट इसमें हम लोग मजे करते हैं साथ साथ। नो नौकरी, उनकी भी गृहस्थी, मेरी भी गृहस्थी, उनका भी बिजनेस, मेरा भी बिजनेस, उनके भी बच्चे, मेरे भी बिजनेस बच्चे। तो ये एक जब होंगे तो समझिए आप सक्सेसफुल हो गए। तो ये बहुत मजेदार बिजनेस है। लास्ट में मैं दो लाइन बोल के थोड़ा समझाना चाहती हूँ। हाँ और ना बहुत ही कॉमन वर्ड है, जिसको हम लोग सुबह से रात तक कितनी बार बोलते हैं। जो चीज अच्छा लगता है उसके लिए हाँ बोलते हैं, जो नहीं चाहिए उसके लिए ना बोलते। तो हाँ और ना बहुत ही मैंने कॉमन वर्ड है, बट ये बहुत मायने रखता है। कभी कभी लोग बहुत जल्दी ना बोल के बहुत अच्छी चीजों को लूज कर जाते हैं, और कभी कभी बहुत देर से हाँ बोलते हैं तब भी वो लूज कर जाते हैं। समझे मेरी बात को? तो हम लोगों को अप्रोच करते हैं, और जो भी नए लोग हैं अगर वो आए हैं बिजनेस में, तो ना जल्दी नहीं बोलिए। आपको भी पैसे की जरूरत है, ऐसी लाइफ की जरूरत है, जो यहाँ से लोग मैसेज दे के गए, तो ना नहीं बोलिए। और इतना भी देर मत कीजिए कि आपको बोलने वाला ही वापस चला जाए, तब भी आप लूज करेंगे। तो हाँ और ना का प्रयोग समझिए कि कहाँ पे यूज करना है। आपका लाइफ बहुत सक्सेसफुल है, विश यू गुड लक। जोरदार तालियां। इसको कहते हैं दाम्पत्य जीवन। दूसरे किसी बिजनेस में ये मिल ही नहीं सकता है। व्हाई दिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी? बिकॉज ऑफ दिस कपल लाइफ, बिकॉज ऑफ दिस कपल लाइफ। 70 साल की उम्र में कपल लाइफ में श्रृंगार रस खत्म हो जाता है, लेकिन यहाँ कांति और लता गाला को देखिए कि एनवायरमेंट ही ऐसा रोमांटिक है, एनवायरमेंट ही ऐसा कपल लाइफ का है कि 70 साल की उम्र में भी वो घूम रहे हैं, मजा कर रहे हैं और गीत गा रहे हैं। दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई, ये देख के दिल झूमा ली, प्यार ने अंगड़ाई। कैन यू बिलीव इट? हम पिछले सारे एलएस में घूम रहे थे, ओम प्रकाश जी जैसे गंभीर आदमी कभी होते, लेकिन वो भी आजकल पत्नी को देख के गाते हैं, ये रेशमी जुल्फे हैं, शरबत यहाँ के डायमंड शिप का कुमार चढ़ गया है। कुलीन मीना से अहमदाबाद में मिलने वाला हूँ, मैंने वेनिस में उनको देखा था गीत गाते हुए, अमिताभ और प्रवीण बॉबी जिन समान की तरह। दो लफ्जों की है ये तो कहानी, चाहे मोहब्बत या हो रहानी। और यहाँ बैठे बहुत लोगों को आज से तेरी हर गलियां मेरी हो गई, पैडमैन का गाना, यंगस्टर को भी देखा, ये सब यही हो सकता है। दिस इज द बेस्ट कपल लाइफ वी कैन यू, दैट्स व्हाई दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। यारी दोस्ती, ऐसी यारी दोस्ती आपको कहीं नहीं मिल सकती है। भविष्य एंटरप्रेन्योरशिप, ऐसा कहीं नहीं मिल सकता है। स्वरोजगार भविष्य, आज के डेट में अच्छे अच्छे लड़के अपना काम कर रहे हैं। इस बिजनेस से अच्छा कोई हो नहीं सकता जहां पर एंटरप्रेन्योरशिप आपको ले जाएगा। स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, भारतीय अर्थव्यवस्था और वैश्विक सोच के अनुरूप नंबर वन के प्रोडक्ट्स, नंबर वन कंपनी, 108 देशों में शानदार शानदार काम, उन सब चीजों के चरण है जो ऐसे ही आते और चले जाते हैं। बहुत लोग सोचते हैं इस कंपनी उस कंपनी में, तो सोच भी नहीं पाता हूं कैसे लोग हैं। जिसका एडमिशन आईआईटी में हो गया वो इधर जाके पीएम इंजीनियरिंग कॉलेज और सीएम इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेगा। कहां घूम रहे हो इधर उधर आंधी तूफान की तरह? बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बेस्ट अपॉर्चुनिटी एंड बेस्ट अपॉर्चुनिटी। डायरेक्ट सेलिंग में लेजिस्लेशन, कोई कानूनी झंझट नहीं, एवरीथिंग इज प्रिपेयर्ड। कौन कहता है इससे अच्छा कुछ आपको मिल ही नहीं सकता है। यारी दोस्ती, ऐसी यारी दोस्ती कहीं मैंने बनते ही नहीं देखी है। इंजीनियरिंग कॉलेज में देखा था जब दोस्त थे, यार थे, लेकिन सब गुम हो गए, पता नहीं कहाँ खो गए, अपनी ही जिंदगी में सो गए, मिलते नहीं, सब हट गए। लेकिन एक बार फिर से दोस्ती का जमावड़ा, अपने अच्छे दोस्तों को लेकर चलने की बात, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से इस दुनिया में सच्चे दोस्त मिलते हैं। ये जगह है जहां पर सारे लोग मिलते हैं। आज सवेरे उठता हूं, मुस्कुराता हूं, फल के साथ ओम प्रकाश जी के साथ बैठा पाता हूँ, कहाँ मिलेगा यह दोस्ती? दोपहर को शाम को राजेश के साथ चाय एनर्जी ड्रिंक पीता हूँ उसके किसी कोना में, और चार दिन बाद नाचता हूँ उसके साथ बार्सिलोना में, ऐसा मिलेगा कहीं दोस्ती? सेम पर्सन। नाइट आउट में मनोज और उषा के साथ बैठे हुए, मेरे डॉगी मयो के साथ खेल रही है, वहां पर और भी तब तक आ गए, बिट्टू आ गया, तब तक मैं आशीष आ गया, रात भर महफिल जमी रहती है जब तक आप जमाना चाहें, सवेरे से रात तक, कहां मिलेगा ऐसी दोस्ती? कहां मिलेगी? अनुराग जी जैसा दोस्त जो दुख सुख में साथ हो, 10 दिन बात भी नहीं हो तब भी वही भावना, वही चीज, इमोशंस, कहां मिलेगा ऐसा समर्पण, ऐसा सम्मान? और कहीं नहीं, सब नकली, हर जगह चेहरा नकली, लेकिन यहां पर आकर आदमी साथ देने के लिए जिंदगी भर साथ देने का वादा करता है। 60 की उम्र के बाद लोग छोड़ देते हैं साथ, चीजें छूट जाती हैं, आदमी और प्रासंगिक हो जाता है, लोग पूछते नहीं है, 10 दिन के लिए बच्चों के पास जाकर फिर अपने कुनबे में लौट आता है। लेकिन यहां 86 साल तक बिलब्रिज अपनी जिंदगी में पार्टी दर
पार्टी कर रहे थे, पार्टी दर पार्टी कर रहे थे। मैं भी वैसी जिंदगी जीना चाहता हूं जहां 82, 84, 85 में भी मेरे घर में लोगों का तांता लगा रहे और मैं अपनी जिंदगी के अंतिम क्षण तक वैसा ही प्रासंगिक बना रहा हूं जैसा आज हूं, जैसा आज हूं। जस्ट वॉन्ट टू बिकम ए बेटर ह्यूमन बींग एंड दिस अपॉर्चुनिटी कैन गिव यू। यहां लाशों पर चढ़कर लोग कोई प्रमोशन नहीं लेते, यहां कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, कोई प्रतिद्वंदिता नहीं, सब आगे बढ़ने वाला है। यहां कोई किसी का दुश्मन नहीं, अजात शत्रु है यहां। अजात शत्रु किसको कहते हैं? जिसका कोई दुश्मन नहीं। यही वो बिजनेस है जहां आप किसी के दुश्मन नहीं, सब आगे बढ़ना चाहते हैं। हजारों डायमंड तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जीडीपी बढ़ेगा, टर्नओवर बढ़ेगा, आपकी इनकम बढ़ेगी। अजात शत्रु यही बन सकते हैं और कहीं नहीं बन सकते हैं दोस्त, सच यही है। यहीं आप अल्फ्रेड नोबेल बन सकते हैं, यहीं अल्बर्ट ड्यूरर बन सकते हैं, यहीं पर आप वो बन सकते हैं जिसमें लोगों की जिंदगी को बढ़ाएं, इंस्पायरिंग पीपुल टू लीव बेटर लाइफ। और अंत में एक चीज कहना चाहूंगा, सब कुछ होने के बावजूद भी ये बिजनेस और दुनिया से अलग आपको कर देगा, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ लिगेसी। आप जो आज कमाए हैं अपने इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से, अपने टीम के साथ मिलकर, आने वाले 2 साल, 4 साल, 10 साल, 15 साल के बाद वो रास्ता चलता रहेगा। मैं आज यहां पर बोल रहा हूं, कभी मैं वहां बैठा था, वहां से मैं यहां आया, कभी मैं बना एंकर, उसके बाद मैं बना स्पीकर, उसके बाद क्लोजिंग करने भी आ गया। कभी कांति गाला को देखता था, कभी कुमार को देखता था, लेकिन दोस्त सच इतना ही नहीं है, सच इसके आगे भी है। एक दिन आप में से कोई उठकर यहां पर क्लोजिंग करेगा, एक दिन वहां बैठा हुआ कोई क्लोजिंग करेगा, एक दिन ऐसे ऐसे कितने सारे फंक्शंस होंगे और वो सब होता चलेगा, क्योंकि युग चलेगा, जो गीत चल रहा है, जो संगीत चल रहा है वो आगे कोई और गाएगा। मैं जो कोई कह रहा हूं, जो कहानी कह रहा हूं, कोई और दोहराएगा। और ये लिगेसी और कहीं नहीं मिल सकती, इसी बिजनेस में मिल सकती और इसी बिजनेस में मिल सकती। परंपरा आप यहां निभाएंगे तो विरासत भी आपको यही मिलेगी, लोग आपको हमेशा याद रखेंगे। आज से 50 साल बाद भी बिल ब्रिट याद किए जाएंगे, उन पर किताबें लिखी जाएंगी, क्योंकि उन्होंने हमारे आपके जैसे लोगों के जीवन में मूल्य डाला और वो इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से हो सकता है। हम आपका इंतजार करेंगे, इसी स्टेज पे आप भी आने वाले हैं। गॉड ब्लेस।